हेलो टू ऑल, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम स्टेज पे। तो आप लोग एक इंडियन बहुत ही फेमस एक्टर है, बॉलीवुड एक्टर है, उसके बारे में आप लोग जानते हैं, सोनू सूद। ठीक है, वो बहुत काइंड हार्टेड पर्सन भी है। ठीक है, तो उनके द्वारा एक जो है उनके फाउंडेशन के द्वारा, चैरिटी फाउंडेशन के द्वारा एक स्कॉलरशिप लॉन्च किया गया है। स्कॉलरशिप का नाम है सोनू सूद फ्री IAS कोचिंग स्कॉलरशिप। ठीक है, तो सोनू सूद फ्री IAS कोचिंग स्कॉलरशिप जो है ये सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन और डिवाइन इंडिया यूथ के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें देखिए किस तरह के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसमें जो है, इसमें जो भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है, डेट मीन जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं सिविल सर्विसेज के, तो वैसे कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उनको बेनिफिट क्या मिलेगा, उनको जो ये बेनिफिट मिलेगा उनको इंडिया के टॉप सिविल सर्विसेज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें, वहां उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। यानी उनका जितना भी खर्चा है वो सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन एंड डिवाइन इंडिया यूथ जो है ये पे करेंगे। तो उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया के टॉप लेवल के जो सिविल सर्विसेज के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे उनको प्रिपरेशन का मौका मिलेगा। और जो उनको क्या है, उनको एक मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा। जो भी मतलब सिविल सर्विसेज में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे या जो इंटरव्यू क्लियर किए हुए कैंडिडेट रहेंगे और टॉप एडुकेटर जो कि सिविल सर्विसेज का टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो टॉप एडुकेटर है, तो उनसे उनको क्या मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगा। ठीक है, और उनको क्या मिलेगा, उनको एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन दिया जाएगा। जो इंडिया का टॉप लेवल के एडुकेटर या ट्रेनर रहेंगे उनके द्वारा उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन दिया जाएगा। तो इस तरह के इसमें बेनिफिट मिलेंगे जो इसके स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होते हैं जो कैंडिडेट। ठीक है, और देखिए इसमें वैसे कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, डेट मीन सिलेक्शन जो इसका क्राइटेरिया रहेगा, डेट मीन इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये रहेगा कि जो नीडी कैंडिडेट रहेंगे तो उनको सेलेक्ट किया जाएगा। मतलब उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, ठीक है, उनके फैमिली का वो देखा जाएगा और उनका मेरिट देख करके उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो लास्ट डेट अप्लाई करने का, इसका लास्ट डेट है 30 जून 2021। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को इस सोनू सूद के फ्री IAS कोचिंग स्कॉलरशिप के बारे में और डिटेल में बताता हूं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे ओलंपियाड एंड स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को और इस सोनू सूद के फ्री IAS कोचिंग स्कॉलरशिप जिसका नाम है संभवम, उसके बारे में और डिटेल में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए ये जो संभवम है जो कि फ्री IAS कोचिंग स्कॉलरशिप है, ये सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन और डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ये वैसे कैंडिडेट के लिए लॉन्च किया गया है जो कि सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ये पहले मैं बता देता हूं। तो इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो मतलब नीड बेस पे, यानी कि उनका फैमिली का बैकग्राउंड देखा जाएगा, मतलब क्या इनकम है और उनका जो मेरिट है, इस बेसिस पे उनको इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सिलेक्टेड होंगे यानी जो सेलेक्ट होंगे जो कैंडिडेट, उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि इंडिया के जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है सिविल सर्विसेज के लिए, वहां पे इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। यानी जितना भी खर्च होगा, ठीक है, इनको एक रुपया पे नहीं करना होगा, सारा पे करेगी ये जो है सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन और डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन पे करेगी। यानी डेट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वहां पे प्रिपरेशन करने का, इंडिया का टॉप लेवल के जो इंस्टीट्यूट है सिविल सर्विसेज का इंस्टीट्यूट है, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको क्या है, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, और प्लस उनको मेंटरशिप मिलेगा किनसे, तो UPSC सिलेक्टेड कैंडिडेट से उनको मेंटरशिप मिलेगा और जो इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं सिविल सर्विसेज के, तो वैसे कैंडिडेट से भी मेंटरशिप मिलेगा एंड टॉप एडुकेटर से भी मेंटरशिप मिलेगा उनको। और इनको स्पेशल ग्रुप सेशन दिया जाएगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, जो कि इंडिया का टॉप एडुकेटर्स और ट्रेनर से उनको दिया जाएगा ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का स्पेशल सेशन। ठीक है, तो ये सारा बेनिफिट उनको मिलेगा जो इस स्कॉलरशिप में सेलेक्ट होते हैं।
ठीक है। अब चलिए अगर इसमें फॉर्म फिलअप की बात करें तो देखिए इसमें फॉर्म आप हिंदी आइदर इंग्लिश दोनों में आप भर सकते हैं, ठीक है। और अभी सिर्फ ये फॉर्म ही भरना है और इसमें कोई डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अभी नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जब ये जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे तो बाद में उनसे वो सारा डॉक्यूमेंट लिया जाएगा और उनका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद ही उनको ये स्कॉलरशिप का बेनिफिट उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए उनको अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं बता दूं अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2021 ही है, ठीक है। तो उनको अप्लाई कैसे करना, तो चलिए मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ। देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ठीक है। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से टच करके या क्लिक करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट को आप लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है। तो इस रजिस्टर नाउ पे आपको क्या करना है, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से कर रहे हैं तो क्लिक करना है, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो टच करना है। तो इस पे जैसे आप रजिस्टर नाउ पे आप टच या क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, ठीक है। तो अभी इनके मतलब ये फॉर्म फिलअप के लिए ऐसा कोई वेबसाइट नहीं बना हुआ है, सिर्फ एक गूगल फॉर्म के द्वारा ही फॉर्म फिलअप भरवाया जा रहा है। तो आपको ये गूगल फॉर्म में ही सारा कुछ अपना इन्फॉर्मेशन फिल करना है और इस जो है स्कॉलरशिप के बारे में एक ओवरव्यू दिया गया हुआ है, तो आप यहाँ भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पे आपको क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, ये सारा कुछ आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद आपको नीचे आना होगा, ठीक है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए योर नेम, जेंडर, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे सारा कुछ फिल करना होगा, ठीक है। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको डालना होगा, सारा अपने फैमिली का भी कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन डालना है, अपने बारे में भी जो भी है क्वालिफिकेशंस वगैरह, और लास्ट में आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं इसका अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो 30 जून 2021 है, तो 30 जून 2021 तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड इंडिया का टॉप लेवल के जो सिविल सर्विसेज के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आइदर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोर्स करने का मौका पा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और सारा कुछ समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर स्कॉलरशिप ओलंपियाड रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, तो उसको नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।